अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है? कैसे गुजर रही है सबकी? यहाँ पे मैं आया हुआ था वुवे में, ये लांचू के करीब है, तकरीबन 300 किलोमीटर दूर। यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, उनका कैटल फार्म है। मेरे दोस्त चाइनीज़ हैं बाय द वे। तो रात को हम यहाँ पहुँचे थे, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो ओरिजिनली प्लान ये था कि हम उनके साथ उनका कैटल फार्म विज़िट करेंगे, उनकी फैमिली भी साथ है, उनके कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी साथ हैं। लेकिन मसला ये हुआ है कि उनकी जो बेगम साहिबा हैं और उनके जो दोस्त हैं, उनकी जो बेगमाल साहिबा हैं, उनका कहना है कि वुवे में जो हॉट स्प्रिंग है वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि ये जब कैटल फार्म पे जाते हैं तो कारोबार के खाते खोल के बैठ जाते हैं। चले देखते हैं क्या बनता है। अगर आपकी भी फैमिली है तो फैमिली को ज़रूर टाइम दें, घूमें फिरें, एंजॉय करें, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। और बस यही कुछ है, देखते हैं कि क्या बनता है। अभी मैं होटल में हूँ, चेकआउट करना है और अभी नाश्ता वगैरह भी करना है बाहर जाके। चलें फिर मिलते हैं। तो जनाब लीजिए, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं हॉट स्प्रिंग। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी डेवलप किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा सा रिजॉर्ट बनाया हुआ है, होटल बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छी जगह डेवलप की हुई है। इतने अजीब माहौल है, डाढ़ा फसाई है लासिया। पब्लिक शावर है यहाँ पे और दरवाजे नहीं है, डोर नहीं है। स्प्रिंग ये नेचुरली है, लेकिन इन्होंने टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है, कहीं पे 40 है, कहीं पे 45 है, ताकि बंदा इंजॉय कर सके। जब बाहर निकलते हैं तो सर्दी लगती है और हाथ कांप रहे हैं, इस वजह से फुटेज भी आपको कांपती हुई नजर आएगी, हिलती हुई नजर आएगी। अब हम बाहर आ गए हैं, इन्होंने कुछ एरिया जो है हॉट स्प्रिंग का कवर किया हुआ है और कुछ जो है वो वैसे ही ओपन रखा हुआ है, लेकिन डेवलप बहुत ज़्यादा किया हुआ है। आपने देखा है तो पाकिस्तान में भी हॉट स्प्रिंग है, लेकिन हम वहाँ पे जाके सिर्फ अंडे उबालते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत है, लेकिन हमें अब उस चीज़ को डिवेलप करना है। जो व्लॉग होते हैं उनमें मेरा जो थीम ये है कि एक तो मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ, यहाँ पे इन्होंने किस तरह की डेवलपमेंट की हुई है, उसको किस तरह उससे ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं और कितनी को फैसिलिटीज दे रहे हैं। जो लोग चाइना में रहते हैं उन्हें पता है कि जो चाइनीज मेल है इनकी बॉडी पे जो है वो बाल नहीं होते, तो यहाँ पे मैं सिर्फ जिसकी ना बॉडी पे थोड़े थोड़े बाल, थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तानी का, आपको पता है। तो मुझे चीने ऐसे घूरते हैं जैसे पता नहीं मैं क्या हूँ, अखी पौड़ी पहन भैंस की। तुम अजीब सी फीलिंग होती है जब आपको कोई घूरता है ना, आंखें फाड़ फाड़ के। अब मुझे समझ आई है कि पाकिस्तान में लड़के जब लड़कियों को बाजार वगैरह में आंखें फाड़ फाड़ घूरते हैं
तो उनके दिल पे क्या गुजरती है। तो अब नहा धो लिया है, ये देखें चाइनीज फूचुआंग चाइनीज स्टाइल का ड्रेस, अब हम खाना पीना करेंगे, खा पे होंगे टुक्को रोगा रोटी पानी।